नमस्कार हम हरप्रीत कौर टू यूर लाइव एंड इंटरेक्टिव सेशन जी हाँ आप हमें इस वक्त देख रहे हैं हमारी PME 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 हमारे पी एम ई विद्या चैनल नंबर नाइन पर दिस इज पी एम ई विद्या क्लास नाइन क्लास नाइन के हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज हम जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं दैट इज फिजिक्स अंडर दिस सब्जेक्ट आज हम ले रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर नाइन टाइटल फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वेल well, हम सब जानते हैं कि फोर्स और मोशंस के कुछ नियम हैं लेकिन ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली exactly फोर्स क्या होती है और मोशन किसे कहते हैं और कैसे ये दोनों आपस में वर्क करते हैं या फिर इनके कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट हैं ये समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं आई विल इंट्रोड्यूस यू ऑल टू दैम बट यू नो वट इट्स टाइम फॉर मी टू फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस यू ऑल टू ऑल द मीडियम थ्रू विच यू कैन रीच अस जी हाँ हमारे सेशन लाइव इन एक्टिव है विच मीन यू कैन ऑलवेज गिव एस अ कॉल एंड द फोन नंबर इज डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन इसके अलावा आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट इन और ये हमारा जो सेशन है कुछ ही देर में हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा तो आप इस सेशन को रिपीट पर भी देख सकते हैं अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है आप उसे समझ सकते हैं तो टॉपिक में एक बार फिर बता दूं आज का टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फॉर दी फिजिक्स सब्जेक्ट एंड दिस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन और ये कॉन्सेप्ट हमें समझाने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट वी आर जॉइन बाय मिस सोनिका सरन मैम मिस पीजीटी फिजिक्स टीचर मैम नमस्कार वेलकम टू द सेशन जी तो आज हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और मैम इससे पहले कि हम एक इंटरेक्शन शुरू करें डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे सभी व्यूअर्स को आज जो सेशन में हम सीखने वाले हैं उसके एक ब्रीफ ओवरव्यू ज़रूर दें गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन ये हमारा चैप्टर नाइन है जैसे कि अभी मैम ने बताया है और इसके पहले आप लोग अपने टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर मोशन पढ़ चुके हैं जिसमें आपने मोशन ऑब्जेक्ट्स का कैसे गवर्न होता है टाइम के साथ उनका डिस्टेंस कैसे चेंज होता है उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है क्या विलोसिटी होती है और क्या एक्सेलरेशन होता है ये सब अब ऑलरेडी उस चैप्टर में पढ़ चुके हैं अभी मोशन क्यों होता है और उसको कौन से लॉज गवर्न करते हैं जो कि न्यूटन ने दिए हैं इसके बारे में जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे बिल्कुल ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे और उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मैम जो आपने दो कॉन्सेप्ट बताए कि पहले भी पढ़ा जा चुका है तो थोड़ा ये बताएं कि क्या वो पढ़ चुके हैं और आज एक्जैक्टली exactly किस कॉन्सेप्ट हम फोकस करने वाले हैं ठीक है, है� तो बेसिकली सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ इंट्रोडक्शन तो जो एक ब्रॉड टर्म है हमारा मैकेनिक्स मैकेनिक्स हमारी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मैटर उन पर लगने वाले फोर्सेस एक या एक से अधिक फोर्सेस का क्या इंटरेक्शन होता है वो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं जी तो मैकेनिक को ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं नंबर वन इज काइनेमेटिक्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारा पहले वाला चैप्टर था जो सिर्फ मोशन था उसमें हम यही पढ़ते हैं कि इट डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडी उसका जो मोशन जब ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट ने टाइम के साथ कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा है कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट था दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट उसने स्पीड कितनी एक्वायर करी उसकी वेलोसिटी कितनी थी और उसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या एक्सलोरेशन था या रिटार्डेशन क्या था ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी अब जो उसका मैकेनिक्स uh, का जो सेकेंड पार्ट है दैट डील्स विद द दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक्स और उसमें हम ये डील करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है hmm. उस मोशन का कॉज क्या है वॉट इज द कॉज बिहाइंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्यों उसमें मोशन हुआ है या वो ऑब्जेक्ट क्यों रुका है जी तो ये सब हम इसमें डायनेमिक्स में पढ़ेंगे राइट right. तो स्टार्ट करते बिल्कुल मैम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और ओके okay. तो मेन टॉपिक में जाने से पहले आ, कुछ आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस जैसे अब मैम आपने कोई एक्सपीरियंस करा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है कुछ आपने एक्सपीरियंस करे अपने डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल में आती हैं बिल्कुल बहुत सारी चीजें देखते हैं कि बॉल मूव कर रही है या फिर कर्टन्स uh, मूव कर रहे हैं व्हीकल्स मूव कर रहे हैं बिल्कुल तो आपके मन में कभी उत्सुकता या uh, uh, हुई कि मैं ये जानू कि ऐसा क्यों हो रहा है बिल्कुल मैम मैं जानना चाहती हूँ लेट्स से कि एक बॉल है अब जैसे उसको हम उसके साथ खेल रहे हैं और वो नीचे हमने गिराई तो वो मूव करती है किसी भी सरफेस पे तो ये समझ नहीं आता कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ही क्यों मूव करती है और आगे क्यों नहीं चली जाती बिल्कुल या वो रुकती है तो खुद से क्यों रुक जाती है बिल्कुल जी तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन है जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास जैसे डज अ बॉल रोल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड कंटिन्यू टू मूव फॉर या वॉट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव और कैन अ बॉडी ट्रेस स्टार्ट मूविंग बाई इट सेल्फ विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल एफर्ट जी या हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं और जैसे गोलकीपर ने बॉल पकड़ी तो उसने क्या करा hmm. क्रिकेटर ने बैट से बॉल को अगर आ, हिट करा तो बॉल को क्या हुआ तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिलेंगे फोर्स से तो ये जो सारे एक्शन हो रहे हैं एक्टिविटीज हो रही हैं दे आर टेकिंग प्लेस बिकॉज सम फोर्स और सम एक्सटर्नल एफर्ट इज अप्लाइड ऑन दोज ऑब्जेक्ट्स उनके ऊपर कुछ काम करा गया है विच रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसा करते हैं तो उनके उनका जो मोशन है जो उनका जैसे मोशन की दो स्टेट्स होती हैं एक होती है रेस्ट एक होती है यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट तो उसकी रेस्ट की स्टेट या उसकी मोशन uh, की स्टेट में चेंज होता है मोशन की स्टेट में चेंज होने से मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है हुँ. तो ये सब कौन गवर्न करता है फोर्स गवर्न एक्सटर्नल एफर्ट जो हम लगा रहे हैं जो अप्लाई हो रहा है उस पर उस पर और जो उसका इम्पैक्ट है दैट इज द रिजल्टेंट इन द चेंज इन द एक्शन राइट चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जी तो यहाँ पर कुछ मैंने एक्टिविटीज फिगर्स के द्वारा दिखाई हैं जैसे कि आप देख रहे हैं तो Uh, आप इसमें क्या देख रही हैं इस फिगर में मैम मैं देख पा रही हूँ कि जैसे गोलकीपर है वो कुछ अप्लाई करके एक फोर्स और बॉल को रोक रहा है बिल्कुल ठीक एंड देन एक स्पोर्ट्स पर्सन है हॉकी प्लेयर है जो हॉकी स्टिक से फोर्स लगा के बॉल को मूव कर रहा yes. है और इसी तरीके से कुछ बच्चे आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं तो वो शायद दोनों ही फोर्स अप्लाई कर yes. रहे हैं तभी बॉल एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है yes. और जैसे मैम छोटी छोटी चीजें हैं काट पुल करना ड्रॉर खींचना yes. कॉइन्स टॉस करना कॉइन फ्लिक करना और डोर ओपन करना डोर क्लोज करना तो ये सारे एक्शन जो है ये अलग अलग एक्टिविटीज हैं इनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं पुश और पुल राइट फॉर एग्जांपल जैसे गोलकीपर ने बॉल पकड़ी तो उसने एक पुल एक्शन करा ही इज पुलिंग द बॉल टुवर्ड्स हिमसेल्फ या जो आदमी जो कार्ड को जो आप देख रहे हैं लोडेड कार्ड को खींच रहा है ही इज पुलिंग इट और ड्रॉर को वो पुल कर रही है जो ऊपर वाला जो फिगर है इसमें वो कार्ड को लोडेड कार्ड को पुश कर रहा है बिल्कुल अगर हम डोर को ओपन कर रहे हैं देन वी आर पुलिंग द डोर बिल्कुल एंड इफ आर क्लोजिंग द डोर और विंडो देन वी आर पुशिंग द डोर और दोनों ही केसेस में हम एक एक्सटर्नल फैक्टर यानी फोर्स को अप्लाई कर yes, रहे हैं बिल्कुल जी सो so, uh, जितने भी मैंने अभी एक्शन आपको दिखाए हैं उसको हम दो कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड uh, कर सकते हैं सो फोर्स इज बेसिकली अ पुश और अ पुल जो भी एक्शन है वो पुश या पुल होगा फॉर एग्जाम्पल मूविंग अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल कोई बुक अगर मैं पुश भी कर सकती हूँ उसको और अपनी तरफ ले भी सकती हूँ तो दैट कैन कम अंडर पुल एंड पुश एनी अदर एग्जाम्पल मैम और कोई एग्जाम्पल जो आप

Um, effects of force. Yeah. कुछ आपको आपने कुछ अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करा है क्या अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो कुछ उसका आपको कुछ चेंज नजर आता है इफेक्ट्स नजर आते हैं आपको मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लेट्स से कि अगर मैं एक पोजीशन ऑफ रेस्ट पे हूँ या मूव नहीं कर रही हूँ और कोई मुझे पुश करता है जैसे हम कहते हैं किसी ने धक्का दे दिया yes. तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम मूव हो जाते हैं सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट है लेट से कि अगर एक मग मेरे साथ पड़ा हुआ है ये जो मग है ये स्टेशनरी पोजीशन में मेरे सामने पड़ा हुआ है बट अगर मैं इसको

द फोर्स कैन ऑल्सो डिक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी जैसे आपकी फुटबॉल जो है जब ग्राउंड पर रोल होती है तो इनडेफिनेट टाइम के लिए वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता रहेगा जितनी आपने उसमें एनर्जी लगाई है वो उतना ही मूव करेगा और कुछ समय बाद जाके जो है वो रुक जाएगा बिल्कुल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फुटबॉल की जो सर्फिस है और जो ग्राउंड की सर्फिस है जब एक सर्फेस दूसरे पर स्लाइड करती है तो दोनों जो सर्फेस में पर इरेगुलरिटीज होती हैं वो इरेगुलरिटीज इंटर आपस में जो है इंटरलॉक हो जाती हैं और वो इंटरलॉकिंग uh, के कारण वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो के बीच में होता है सौ ट्राइज टू अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ये तो फोर्स ऑफ दिक्शन जो मैंने आपको अभी बताया कि स्पीड कम हो गई वैसे भी आपने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं आप साइकिल चला रहे हैं आगे से किसी ने रोक ली तो <laughs> आपकी स्पीड कम हो जाएगी सो बाई अपलाइंग फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी आप कोई भी स्पोर्ट ले लीजिए बैडमिंटन क्रिकेट ले लीजिए और आप टेनिस ले लीजिए या आप हॉकी ले लीजिए सब में जो है जब बॉल प्लेयर के द्वारा हिट होती है तो उनकी स्पीड और डायरेक्शन स्पीड तो चेंज होती ही है और hmm. डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है बिल्कुल एंड द लास्टली फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी आपको एग्जाम्पल बता सकते हैं इसका शेप कैसे चेंज होती है मैम बिल्कुल अब जैसे मान लीजिए स्पॉन्ज है आप उसको अगर

रेस्ट में लेकर आ रहा है थर्ड फिगर में आप देखिए शेप चेंज हो रही है hmm. जो आपका जो फ्लोर है उसका डॉ है जो Bilkul. उसको प्रेस करके फोर्स लगा के शेप चेंज हो रही है स्प्रिंग की शेप चेंज कर सकते हैं स्ट्रेच yes. कर सकते हैं बैंड स्ट्रेच कर सकते हैं लेमन स्क्वीज कर सकते हैं कॉलगेट की पेस्ट को आप डेली यूज करते हैं उसकी शेप चेंज होती है बिल्कुल और तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स और मम्मी कितने ऐसे काम है ना जो हम बिल्कुल अपनी डेली लाइफ में करते हैं और हम इसी से ही रिलेट कर सकते हैं पुश और पुल को और फोर्स को समझ सकते हैं बहुत और हैं ही रूटीन वर्क दे आर बेसिक एक्टिविटीज जो हम रोज करते, रोज करते हैं करते और उसके हैं। पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है जी तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ अब ये तो था फोर्स हमने देख लिया फोर्स क्या है उसके इफेक्ट्स हमने देख लिए अब हम देखेंगे वॉट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स फोर्स के क्या टाइप्स हैं सो फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस फोर्स की जी इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द आर कॉल्ड बैलेंस अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज इ्स पोजिशन ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड इट अपियर्स नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी राइट मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ फॉर एग्जाम्पल ये आ, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जी अभी ये रेस्ट पर है बिल्कुल इस पर अभी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है जब तक ये रेस्ट पर है इसका मतलब इस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे बैलेंस फोर्सेज है जितने फोर्सेस इस पर लग रहे हैं एक दो या दो से अधिक फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका जो रिजल्टेंट है दैट इज जीरो उसके कारण द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है या वो अपने यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहता है तब तक जब तक उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है जीरो, सो द बैलेंस फोर्सेस। ओके इसको एक एग्जांपल से हम आगे देखते हैं जी इसमें देखिए जो फर्स्ट फिगर है इसमें टेबल पर एक हैवी बॉक्स मैंने रखा है हाँ जी, तो इस पर फोर्स लग रहे हैं एक लेफ्ट हैंड साइड से फोर्स पुश का लग रहा है जो इसको राइट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड से पुश फोर्स लग रहा है जो उसको लेफ्ट में ले जाने की कोशिश कर रहा है hmm. लेकिन जो पुश फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसको रोक रहा है तो ये दोनों forces, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है स्टेशनरी अपने पोजिशन पर ही रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने बताया था अभी कि वो बॉक्स की जो लोअर सर्फेस है और ग्राउंड की सर्फेस के बीच में एक्ट करेगा जी. दो सर्फेसिस जब एक दूसरे पर मूव करती हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है hmm. और वो मोशन ऑपोज़िट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ़ फ्रिक्शन लगता है, सो इट विल अपोज़ द मोशन। तो ये दोनों फोर्सेस तो लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन से लग रहे हैं, इन्होंने कैंसिल कर दिया और ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है क्यों करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटेशन पृथ्वी जिस फोर्स ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है वो किसके बराबर होती है ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर hmm. तो वेट जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है और उसके ऊपर ग्राउंड के द्वारा एक एक रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और मैम इससे चीज मुझे ये भी समझ आई कि जब हम कहते हैं कि आपका वेट कितना है जब हम yes. कहते हैं कि अपना वजन कराओ और हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि मेरा वेट फिफ्टी के जी है yes. तो वो वेट वो चीज है कि उस फोर्स से अर्थ आपको अपनी तरफ इज बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा है वो जो हमारा वेट है दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ तो इस लेफ्ट uh, जो हैवी बॉक्स वाला फिगर uh, है इसमें आप फाइनली आपने क्या कंक्लूड करा देखकर? आप क्या कह सकते हैं ये जो आपका फिगर है जी ये जो हमारा फिगर है कि जिसमें अर्थ आपको खींच रही है लेकिन वो फिर भी उसका जो एक हमें वेट तो पता ओनली yes. क्योंकि ऊपर yes. की तरफ जी. लगा रहा है सो ऑल द फोर्सेज आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर दिटोर्स सो दिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो राइट सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स Right -hand side का जो फिगर है, तो है खेला होगा तो क्या, क्या हो रहा है, आप? हम देख रहे हैं पुश हो रहा है मतलब आप खींच रहे हैं दूसरी तरफ से भी खींच रहे हैं तो वो ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और ना आप इधर जा पा रहे हो ना उधर जा पा रहे हो तो दोनों ही तरफ से मींस ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस आ रही हैं बिल्कुल और दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल हैं बिल्कुल बट ऑपोजिट है डायरेक्शन में बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड 300 हंड्रेड right. न्यूटन एक तरफ वाले लगा रहे हैं और 300 हंड्रेड न्यूटन ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स लगा रहे हैं तो जिसके कारण वो जो रोप है वो सेंटर में है अपनी जगह पर फिक्स है सो देर इज नो मूवमेंट इन द सेंटर पोजीशन ऑफ द रोप और यही अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो फिर आपको ये विक्ट्री yeah. और yes, हाजी का मतलब फैसला हो जाएगा तो ये तो हमारा बैलेंस फोर्सेस था चलिए अब आगे चलते हैं देखते हैं वॉट आर अनबैलेंस फोर्सेज जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है अनबैलेंस फोर्सेस क्या होंगे जी जहां पर मुझे लग रहा है कि चीजें मूव भी हो जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में दैट्स व्हाट आई फील क्योंकि बैलेंस हमने भी concept समझ लिया है yes. तो अगर जैसे फिगर टग ऑफ वॉर में आप देख रहे हैं एक तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड की टीम है वो फोर हंड्रेड के फोर्स से अपोजिट टीम को पुल कर रही है और अपोजिट टीम थ्री हंड्रेड के फोर्स से पुल कर रही है तो ऑब्वियसली जो टीम जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो ज्यादा फोर्स लगा रही है तो दैट इज द विनर टीम राइट तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो जीरो नहीं है कुछ उसका सर्टन वैल्यू होगी देन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेज तो ये वाले फोर्सेज क्या कहलाते हैं अनबैलेंस फोर्सेज वेन द अनबैलेंस फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडी दैन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज चेंज फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको बैलेंस के केस में बताया था hmm. ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन पर है जी. इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन अगर मैं इसको पीछे से पुश कर दू hmm. तो मैंने इस पर एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगाया है बिल्कुल जिसके कारण इसकी स्टेट में चेंज हो गया है रेस्ट से ये स्टेशनरी पोजिशन में आ गई है बिल्कुल सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्सेज कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी और एक्सलरेट अ बॉडी एट रेस्ट और अ मूविंग बॉडी और चेंज इज डायरेक्शन और चेंज इज स्पीड और शेप तो ये सब इफेक्ट फोर्स के ही हैं right. कब होगा जबकि अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा किसी ऑब्जेक्ट पर राइट right. तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज तो अभी हमने तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हमने अभी फोर्सेज की बात कर ली है hmm. तो आ, आप लोगों ने न्यूटन का और गैलीलियो का नाम सुना होगा तो न्यूटन और गैलीलियो जो हमारे फेमस थे इनके भी 2000 साल पहले तक ये माना जाता था कि जो रेस्ट है दैट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ऑल द बॉडीज मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो अल्टीमेटली रेस्ट पर आ ही जाएगा अपने आप ओ, ओके तो ये माना गया लेकिन बाद में गैलीलियो ही थे जिन्होंने ये बताया कि रेस्ट जो है ऑब्जेक्ट्स की नेचुरल पोजीशन नहीं है जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाया जाएगा एक्सटर्नल फ़ोर्स नहीं लगाया जाएगा hmm. तब तक वो अपने स्टेट चेंज नहीं करेगा अगर okay. वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहेगा अनटिल अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट या अगर वो रेस्ट है वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा राइट right. मैम ये कॉन्सेप्ट वैसे तो थोड़ा सा हमारे बच्चों के लिए लेवल एक अप हो जाएगा पर हम स्पेस में जैसे हम देखते हैं yes. क्योंकि शायद वहां पे कोई फोर्स नहीं है तो एक जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उसी स्पीड पे मूव करता ही रहेगा क्योंकि शायद कोई रेजिस्टेंस नहीं वहाँ पर जो है सब जो ऑब्जेक्ट्स है, 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 तो है, है, तो हैं वो मास बहुत है तो एक दूसरे पे वो फोर्स अपने दोनों तरफ से उन पर फोर्स लग रहा है सो दे आर स्टेशनरी दे आर मूविंग इन देर पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हम कह सकते हैं कि जो मून अर्थ का सैटेलाइट है वो भी अर्थ पे फोर्स लगा रहे अर्थ भी लगा रही है पर उनकी मास की वजह से वो अपने बिल्कुल ठीक बताया आप जी तो जो दूसरे साइंटिस्ट जो न्यूटन थे जिनका नाम सबने सुना हुआ है उन्होंने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करा और उस पर बेस्ड उन्होंने कुछ लॉज दिए जी तो ये स्लाइड में आप देखिए गैलीलियो गैली ने, ने ही अपने एक्सपेरिमेंट्स में कंडक्ट कर कंक्लूड करा कि ऑब्जेक्ट्स मूव विद कॉन्सेंट स्पीड वेन नो फोर्स एक्स ऑन देम तो ऑब्जेक्ट अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहेगा जब तक कि उनके पास आगे उन पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो इसके आगे बढ़ते हैं न्यूटन ने इनके ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करा और mm. उन्होंने फर्स्ट लॉ फॉर्मुलेट करा विच इज कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट चलता रहेगा कंटिन्यू करेगा उसी स्पीड से अनटिल अनलेस इट इज कम्पेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा और अगर किसी स्पीड से चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से तो वो लगातार उसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा और वो फोर्स कैसा होता है वो उसका नेचर क्या होगा दैट इज एन अनबैलेंस फोर्स अनबैलेंस क्योंकि बैलेंस फोर्सेज लगे तो फिर से ही जो है उनका रिजल्टन जीरो हो जाएगा जी द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड द एनर्जिया हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो अगर जिस स्टेट में है उसी में रहे hmm. अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसी स्पीड से चलता रहे और अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहे तो ये जो लॉ uh, न्यूटन ने दिया था दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एनर्शिया क्योंकि एनर्शिया ही वो प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहता है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता और अगर उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो वो उस फोर्स को रेजिस्ट करता है तो यानी कि जब हम देखें कि एक बुक टेबल पर पड़ी है तो उस पर लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो भी रहा भी है दैट इज 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 इट एट ऑफ रेस्ट अनलेस अ फोर्स अप्लाइड ऑन राइट जी तो अभी हमने इनर्शिया की बात करी है इनर्शिया क्या होती है इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी में ही रहना चाहता है इनर्शिया एंड मास ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया फॉर एग्जांपल एक आप फुटबॉल ले लीजिए और एक हार्ट बहुत बड़ा सा रॉक ले लीजिए तो फुटबॉल का मास बहुत कम है उसके कंपेरिजन में जो हमारा स्टोन है उसका मास बहुत ज्यादा है एब्सोल्यूटली तो जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसमें अपने स्टेट को चेंज करने की जो प्रॉपर्टी है वो उतनी ज्यादा होगी hmm. तो जित एक स्टोन को मूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना लगा। पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा उसका मास ज्यादा है right. और फुटबॉल को मूव करने के लिए हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा कंपेरेटिवली कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका मास कम है जी. तो जिसका जितना मास होता है ज्यादा मास होता है उसका उतना ज्यादा एनर्शिया होता है So, तो उसको अपनी स्टेट को चेंज होने की जो रेजिस्ट होने की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत कम होगी और दूसरे की जो है बड़ी ऑब्जेक्ट मास ज्यादा है तो वो ज्यादा उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा तो ये जो इनर्शिया है तीन प्रकार का होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए मैं एक छोटी सी एक्टिविटी लेकर आई हूँ और yes. मैम क्योंकि मैं पिक्चर्स में देख रही हूँ तो बिफोर आप एक्टिविटी करें मेरा एक क्वेश्चन है जैसे हम पिक्चर्स देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ यू नो ब्लॉक्स या आप कॉइन्स कह लीजिए आपके सामने एक पड़ा हुआ है वर्टिकल पाइल है yeah. अब मैम जब अगर हम इसका बिल्कुल बॉटम मोस्ट जो कॉइन है वो रिमूव करते हैं तो ये सारे सेम जगह पर ही क्यों गिर जाते हैं आई yeah. मीन I mean, ये खड़े क्यों नहीं रहते है? या मतलब नीचे से चीज निकल जाए तो भी अपनी पोजिशन पे स्टेशनरी क्यों नहीं है ठीक है आपका जो सवाल है मैं बिल्कुल समझ गई हूँ उसका आंसर ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरम बोर्ड का गेम आपने देखा होगा उसमें जो कॉइन्स हम सेंटर में पाइल करते हैं और जो हमारा स्ट्राइकर होता है उससे हम जो लास्ट कॉइन बॉटम वोस्ट कॉइन होता है उसको हम हिट करते हैं तो अभी ये जो है सारे कॉइन्स रेस्ट में हैं राइट जो नीचे वाला कॉइन क्योंकि हम उसको हिट करते हैं तो वो मोशन में आ जाता है लेकिन क्योंकि बाकी सारे कॉइन्स रेस्ट में ही रहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो मोशन में नहीं जाना चाहते चाहते क्योंकि उनकी क्या टेंडेंसी है कि वो रेस्ट पे ही रहें hmm. तो वो जो नीचे वाला कॉइन है वो तो निकल जाता है बहुत कम sure. आपको एक्टिविटी भी करनी हाँ, है पर एक्टिविटी पहले एक क्वेश्चन मेरा और है यानी क्या ये चीज उसी से रिलेटेड है कि जब हम मूविंग बस से एकदम निकलते हैं तो हमें एक जर्क फील होता है क्योंकि बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है और बस मूविंग है तो वो एक फोर्स एक्सर्ट हो जाता है बिल्कुल ऐसे इसलिए होता है कि मूविंग बस है अगर हम उस से कूद रहे हैं तो हमारे जो पैर हैं वो तो ग्राउंड के कांटेक्ट में आके हमारा जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो रेस्ट पे आ जाता है right. लेकिन हमारा अपर पार्ट जो है अभी रेस्ट पे नहीं आता क्योंकि वो अभी भी जो है बस के साथ मोशन में था तो हम गिर जाते हैं जी। तो चलिए जल्दी से एक एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग Uh, ये एक्टिविटी हमारी एनर्जी है इसमें जैसे कि फिगर में देख रहे थे, एक ग्लास लिया है, टंबलर, उसके पेपर है और एक कॉइन है ये एक्टिविटी हमने करी थी और आई एम श्योर कि बट ये कॉइन जो है अभी बहुत परेशान कर रहा है लेकिन जब आप ये एक्टिविटी करते हैं तो कॉइन है वो कप में गिर जाएगा, कप में गिर जाए और उसका रीजन होगा क्योंकि वो इनरश ऑफ रेस्ट के कारण ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में ही रहना चाहता है तो पेपर आगे निकल जाता है फोर्स के कारण और कॉइन रेस्ट होने के कारण रेस्ट में रहने के कारण ग्रेविटी पुल के कारण वो आपके टम्बलक के अंदर ही गिर जाता है तो ये एक्टिविटी जो मैम ने डेमोंस्ट्रेट की है इसको आप क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है वरना हम इसके और अटेम्प्ट्स ले सकते थे लेकिन आप घर पे जरूर ये एक्टिविटी कीजिए ताकि आप लॉ ऑफ इनर्शिया पुश पुल मोशन फोर्स इन सबके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल डिलाइटफुल रहा और इस पूरी कॉन्वर्सेशन के लिए आई वुड लाइक टू थैंक सोनिका मैम थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेशन और अब समय है इस सेशन को यहाँ पर रैपअप करने का लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज आप अभी आने वाले वक्त में और कौन कौन से प्रोग्राम्स देख सकते हैं सो so, ये हमारा लाइव शेड्यूल आपके सामने है जी हाँ इन अ शॉर्ट वर्ल फ्रॉम नाउ यू कैन वॉच और नेक्स्ट लाइव एंड इंटरेक्टिव सेशन ऑन द सब्जेक्ट इंग्लिश टाइटल विल बी काठमांडू और जो तीन साढ़े तीन बजे का समय रहेगा मैथमेटिक्स विषय पर आप एक टॉपिक पढ़ेंगे और साढ़े तीन से चार हम लेकर आएंगे आपके लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी देन हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन फॉलोड बाय सहयोग और उसके बाद टाइम रहेगा हमारे स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का और इसी के साथ ही दिस इज मी हरप्रीत कौर टेकिंग लीव ऑफ यू बट प्लीज स्टे ट्यून विद अस फॉर अ मोर लाइव एंड इंटर सेशंस नमस्कार